मंत्री जी, आपके भागलपुर जाने के ठीक बाद, भागलपुर छोड़ने के ठीक बाद, कहलगांव विधानसभा में एक सनहौला में राम जानकी मंदिर के मूर्ति को विध्वंस कर दिया गया और जो पकड़े गए वो अल्पसंख्यक समुदाय का है और वो कह रहा है कि विक्षिप्त, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये आज सवेरे की घटना है जी। आज सवेरे यानी 20 तारीख की घटना। हम परसों थे भागलपुर और ये सोची समझी रणनीति के तहत है, विक्षिप्त है तो मस्जिद में क्यों नहीं किया, और फुटेज में 3 आदमी दिख रहा है और इसके पीछे आरजेडी और कांग्रेस का हाथ है, वो चाहता है दंगा कराना। राहुल गांधी की शुरू से रहा है कि भारत को गृह युद्ध में बदल देना, लेकिन मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर असली कल्प्रिट को नहीं पकड़ा गया तो जरूरत पड़ेगा तो मैं अपनी यात्रा स्थगित करके सनहौला आऊँगा। सर, ये तो एक बात है। अभी दूसरी बात ये है कि बहुत दिनों से ये बातें थी जनसंख्या निरोध पे कानून सख्त आने का, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है अपने राज्य के लोगों को अत्यधिक बच्चे पैदा करें क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, युवा और बच्चे कम हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय होगी? राहुल गांधी को पहले शादी उदी करा दें तब ये बयान दें मुख्यमंत्री, कम से कम देश में एक लगेगा कि बच्चा पैदा करने वाला एक आदमी खड़ा हो गया। चंद्रबाबू नायडू का नहीं है ये, है उनके क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री का। चंद्रबाबू नायडू का क्या बयान है मैं नहीं जानता, चंद देखा नहीं हूँ, लेकिन ये तेलंगाना में जो हालात हुए हैं, वहाँ मंदिरें तोड़ दी गई और श्रद्धालुओं पे लाठी बरसाया गया और वहाँ के जो विधायक हैं टी राजा, उनको नज़रबंद कर लिया गया और घोषित वहाँ आपातकाल लगा दी गई है। और लगता है कि राहुल गांधी की सरकार सनातनी को ख़त्म कर देने का ही ठान लिया है मुसलमानों के वोट के लिए। सर, एक हल्के फुल्के सवाल, चुकी आप पूर्णिया आ गए तो पूर्णिया सांसद को क्यों डर लगा रहता है कि आपके आने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा? वो कई चैलेंज भी दे चुके हैं कल से लेके आज तक में, आखिर इसके पीछे क्या माजरा आप समझ रहे हैं, उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है? हमें नहीं पता है, वो तो लॉरेंस पर भी देते हैं, फिर मीडिया में मैंने देखा उनके बयान पत्रकारों से, तो मैं मुझे इन सब चीज़ों पर कोई, उन्होंने तो कहा कि वो भूमिहार समाज के इसलिए जिद करता हूँ, अगर मेरे समाज होते तो मैं उन्हें बता देता। पता नहीं, उनको तो लालू जी ही दिखा दिया कि टिकट नहीं दिया, तो अब उससे ज़्यादा मैं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं।